गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बिहार में थम गई कोरोना की रफ्तार, मिले 282 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 4,951। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन राज्य में अब कोरोना की रफ्तार में कमी आ गई है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ताजा अपडेट जारी की गई है उसके अनुसार राज्य में कोरोना के 282 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कोरोना के नए मरीजों की सबसे अधिक संख्या पटना जिले में से है, जहां पिछले कई दिनों के बाद 100 से कम मरीज मिले हैं। गद्दी विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, कोरोना वैक्सीन पर भाजपा ने दिया अखिलेश यादव को जवाब। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर हुई आलोचनाओं के बाद अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनकी सोच पर सवाल खड़ा कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि गद्दी विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन को लेकर राजनीति रोटी और पराठा बनाते रहे। बिहार में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण को लेकर शनिवार को बिहार में ड्राई रन सफल रहा। इसके पहले वैक्सीन को लेकर राजनीति भी खूब हुई है। बिहार चुनाव के दौरान जब वैक्सीन को लेकर ये कहा गया था कि एनडीए की सरकार आने पर बाद में सभी को वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा, तो इससे विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए खूब हंगामा किया था। पुलिस हेडक्वार्टर में जारी किया अलर्ट, पुलिस बलों पर हमले की फिराक में जुटे हैं नक्सली। बिहार पुलिस मुख्यालय ने नक्सलियों को लेकर सभी जिले को अलर्ट जारी कर दिया है। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाके में सुरक्षा बलों और मुखबिरों पर हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए नक्सलियों ने टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। बिहार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अलर्ट पर, सीमांचल और मिथिलांचल में घुसपैठियों की पहचान में जुटी खुफिया एजेंसी। बिहार में लगातार घुसपैठिए के पकड़े जाने के बाद गृह मंत्री अलर्ट मोड में आ गई है। कटिहार जिले में 5 अफगानी नागरिक और झारखंड में इंटरनेशनल अपराधी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के पकड़े जाने के बाद अब सीमांचल और मिथिलांचल, पश्चिम बंगाल और सभी सीमाई इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। खासकर नेपाल से सटे इलाके पर गृह मंत्रालय की विशेष नजर बनी हुई है। कहलगांव में असामाजिक तत्वों ने 6 किसानों के 66 आम के पेड़ों को काट डाला। कहलगांव अनुमंडल में पेड़ों को काटने का मामला थम नहीं रहा। असामाजिक तत्व लगातार किसानों द्वारा लगाए गए पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी मामले में गिरफ्तारी तो दूर उसकी पहचान तक नहीं कर पाई है। ताजा मामला शिवनारायण थाना क्षेत्र के मदरापुर की बताई जा रही है। बाप ने बेटे को 70,000 में बेचा, माँ ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। आपने संतान और पिता के प्यार के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन एक शख्स ने अपने बच्चे और पिता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है एक व्यक्ति ने अपने ही बच्चे को 70,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद बच्चे को फुटपाथ पर रहने वाले एक आदमी ने बचाया और बाल कल्याण विभाग को सौंप दिया। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में किसान का हंगामा, आत्मदाह की दी धमकी। मीडिया से आ रही यह खबर, जहां सीएम के कार्यक्रम स्थल पर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। खबर के मुताबिक मझौली चीनी मिल के बकाए पेमेंट और चीनी मिल की मनमानी को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर भारी बवाल, आक्रोशित लोगों ने थानेदार को बनाया बंधक। जिले के शादापुर में गैर मजरवा जमीन पर बने रास्ते को लेकर दो पक्ष में जमकर विवाद, लेकिन इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मारपीट की इस घटना के दौरान कुछ बदमाशों ने 3 घरों में आग भी लगा दी थी। घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी लगभग 2 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिस पर आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट गया और थानेदार को ही बंधक बना लिया।
नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।